हमास पर हमले के बाद इसराइल तीन मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है इस वक्त, जिसमें लेबनान भी शामिल है। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके पर लगातार हमले कर रहा है। इसराइली सेना सुबह से ही हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। अब तक हिजबुल्ला के कई कमांडरों को IDF ने मार गिराया है। इसी के साथ गाजा में भी इसराइल लगातार हमास के आतंकियों को सबक सिखा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि इसराइल किस तरह से अपने दुश्मनों के हमले का जवाब देता है। लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला। गुस्से में इसराइल हिजबुल्ला की शामत आई। लेबनान बॉर्डर पर बम बरस रहे हैं। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्ला पर पलटवार किया है। उसका आरोप है कि हिजबुल्ला ने बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल की सेना को निशाना बनाया था। इसके बाद इसराइल की वायुसेना एक्शन में आई और जहां जहां से रॉकेट और मिसाइल फायर किया जा रहा था वहां वहां उसने बम बरसाए। इस हमले से इसराइल का मैसेज क्लियर है, जो भी युद्ध में उससे टकराएगा उसको वो निशाना बनाएगा। अभी सुबह सुबह अटैक किया है इसराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इसराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है, अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इसराइल कई प्लान पर काम कर रहा है, जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इसराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्ला का गढ़ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला की बर्बादी के वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट हिजबुल्ला के ठिकानों पर दागे गए हैं। इजरायल ने हिजबुल्ला के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास पर हमले के बाद इजरायल तीन मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। अब इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। अब तक हिजबुल्ला के कई कमांडर को इजरायल ने मिट्टी में मिला दिया है। एयर स्ट्राइक में अपने कमांडरों की मौत की सच्चाई को हिजबुल्ला ने खुद कबूल किया है। 7 अक्टूबर के बाद से जो इजरायल है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बार बार जो इसराइल के बयान आ रहे हैं, एक ही सार उसका निकल कर आता है कि हमास का खात्मा होना चाहिए। वो तस्वीरें हम गाजा से देख रहे हैं, लेकिन हमास को बड़ा सपोर्ट हिजबुल्ला का हासिल है। लेबनान यानी कि इसराइल की अगर बात करें तो उत्तरी इसराइल का जो इलाका है वहां पर लेबनान से उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलती है। हिजबुल्ला अपने 46 कमांडरों की मौत के गम से निकला भी नहीं था कि उसके ऊपर एक और गाज गिर गई। इसराइल ने तो साफ कर दिया है कि वो उन पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ने वाला है। इसराइल के घातक हमले में मारे गए हिजबुल्ला के मेहदी मोहम्मद अटवी, हुसैन मोहम्मद अली हरीरी, अली इब्राहिम जवाद समेत कई कमांडर भी शामिल हैं। इस सबके बावजूद हिजबुल्ला ने जंग के मैदान में डटे रहने का ऐलान किया है। हिजबुल्ला ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि वो गाजा में अपने आतंकी मित्र हमास की हर कीमत पर मदद करेगा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के मकसद को इसराइल युद्ध की शुरुआत से ही नाकाम करता रहा है। IDF ने इसी हफ्ते एक आतंकवादी दस्ते पर हमला किया था जिसने याकेंटन में मिसाइलें लॉन्च करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही इसराइली सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे ड्रोन ऑपरेटर को भी मार गिराया था। इसराइल अब चुन चुन कर अपने दुश्मनों को साफ करने में लगा है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को लगातार राख में बदल रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि पिछले दिनों उन्होंने हमास के करीब 600 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन हमलों में हजारों की संख्या में हमास के लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है। वहीं अब तक युद्ध में 8,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच पिछले 24 दिनों से युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इसराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। इसके साथ ही हमास पर इसराइल के करीब 230 नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप है। इसराइल की सरकार पर बंधकों की वापसी के लिए भी दबाव बढ़ रहे हैं। इसराइल पहले ही हमास का साथ देने वाले देश को कड़ी चुनौती दे चुका है। इसके साथ ही इसराइल को पश्चिमी देशों के अलावा अन्य कई देशों का साथ भी मिल चुका है, जो हमास के खात्मे और बंधकों के सकुशल रिहाई पर जोर दे रहे हैं।
अमेरिका अपने दो सबसे भरोसेमंद एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए पश्चिम एशिया में अपने एयर बेस को और मजबूती दे रहा है। कैसे, ये आपको यहाँ पर बताते हैं, तफसील से समझाएंगे, बहुत गौर से आप इसे समझिए। दरअसल इसमें शामिल है MIM-104 पेट्रियट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, सरफेस सिस्टम जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सिस्टम पूरा है जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है और इसकी एयर डिफेंस की रेंज 120 किलोमीटर है। यानी कि 120 किलोमीटर के अंदर आसमान के रास्ते हमला करने वाली हर चीज को पेट्रियट मार कर गिरा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वही बैलिस्टिक टारगेट नष्ट करने की रेंज आप देखिए, 60 किलोमीटर तक इसकी ये पूरी रेंज है। यानी 60 किलोमीटर की रेंज में अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है तो ये उसे ट्रैक करके नष्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। हालांकि टारगेट की पहचान की रेंज 180 किलोमीटर है, यानी कि 80 किलोमीटर की रेंज में हमला करने वाली हर एक चीज को ये पहचान कर उसको तुरंत वहीं पर नष्ट कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका सबसे मजबूत एयर और मिसाइल सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है वो आखिर है क्या, ये है थर्ड। क्या इसकी खूबी है इसे भी आप आके समझिए। देखिए, थर्मल आई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसका पूरा जो नाम है वो ये है। और इसकी जो खासियत है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये भी, और इसकी एयर डिफेंस की रेंज 200 किलोमीटर है। यानी कि 200 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक हवाई खतरे को ये हवा में ही नष्ट कर सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा बैलिस्टिक टारगेट नष्ट करने की रेंज भी आप देखिए, 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर ये बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देता है। और इसके अलावा इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि इसकी टारगेट को पहचान की रेंज जो 1000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की ओर से हमला करने वाला हर एक हथियार ये डिटेक्ट कर सकता है, यानी उसकी पहचान कर उसको नष्ट कर सकता है।